आज माँ की हालत खराब नहीं हुई मेरे साथ, वरना माँ की अभी करने वाली हालत हो जाती है। मम्मी को थोड़ी मोशन सिकनेस है, मम्मी जैसी गाड़ी में बैठती है तो जाते हैं। तो आज मेरी गाड़ी लाल की लाल है, वरना वो लाल पीली हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं आप, आ चुके हैं आलू प्याज के पराठे विद दही, अचार, चटनी, मिर्च, तो सब लोग खाते हुए। और बताएं दिव्या ये क्या हो रहा है? ये हम पहली बार आए हैं, हमारा स्वागत हो रहा है। तो शादी के बाद पहली बार दिव्या और मैं दिव्या के गांव आए हैं, तो हमारे स्वागत के लिए ये बाजे वाला आ रखा है, दमाऊ वाला। Hey guys, once again welcome back to our YouTube channel Rahul Kuriyal. So guys, मैं बताना चाहता हूँ कि दिव्या के गांव में पुजारी है, पूजा रखवाई गई है, जिसमें मेरे को और दिव्या को जाना है और इसकी फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो आज सबसे पहले हम जा रहे हैं गाड़ी वॉश करवाने और चेक करवाने कि सब कुछ ठीक है, कि मैं लॉन्ग रूट पे जाना है तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस, पूरी धूल मिट्टी से सनी पड़ी है, तो अब हम इसको जाएंगे वॉशिंग वगैरह करवाएंगे। और ये शैम्पू लगा दिया गया है गाड़ी पर, शैम्पू के बाद फिर से पानी मारेंगे। देखिए अंदर से पूरी क्लीनिंग चलते हुए, और अब भाई कर रहा है गाड़ी की पॉलिशिंग, जिससे बाहर चमक आ जाएगी पूरी गाड़ी पे। तो जितनी गंदी होके आ रखी थी ये गाड़ी, उतनी ज़्यादा चमका दिया भाई ने। सो गाइज, हमारी ऑलमोस्ट तैयारी सारी हो चुकी है, बस दिव्या कुछ कपड़ों पे प्रेस कर रही है। आप शॉपिंग हमने कर ली थी, मार्केट में इतना रश था कि हम शूट ही नहीं कर पाए, और हमें इतनी जल्दी थी घर आने की क्योंकि काफी काम हमारा पेंडिंग था। अभी रात के 12 बज चुके हैं, कुछ कुछ कपड़े ऑल्टरेशन के लिए गए हुए थे जो कि अभी लेट ही आए हैं, तो मैं उनको प्रेस कर रही हूँ एंड बस अभी बैग के अंदर डालने रह गए हैं। और 12 ऑलरेडी बज चुके हैं और हमें 3:30 बजे निकलना है। इसने मेरी सारी लाइन बोल दी, 3:30 बजे वाली लाइन मेरी थी, इसने बोल दी। ठीक है, तो 3:30 बजे हमें निकलना है सुबह। अब हमें जल्दी से पैक वैक करके सोना है जल्दी, ताकि हम जल्दी उठ सकें और जल्दी निकल सकें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम दोनों हो चुके हैं रेडी, और अब हम जा रहे हैं मेरे घर जहाँ हमें मम्मी लोग और दादाजी लोग मिलने वाले हैं। फिर हम निकलने वाले हैं गाँव के लिए, तो हम दिखाएंगे आपको पूरी जर्नी अपनी गाँव तक की। तो और मैं दिखा दूं कि हमारे बैग्स कितने हो चुके हैं। तो देखिए गाइस, हमारे 1, 2 और 3 बैग तो ये हैं, बाकी एक छोटा सा बैग DSLR का। यहाँ सामान नीचे जाते हुए, और टाइम हो चुका है 4:10 है। मम्मी पैकिंग करते हुए हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान, भाभी ने बनाई मैक्रोनी हमारे लिए उठ के सुबह सुबह। कैसा लग रहा है 5 दिन के लिए घर वालों से? मज़े, आदत पड़ गई, आदत, इनकी गंदी गंदी शक्लें नहीं देखनी पड़ेगी। सो गाड़ी में हम लोग रखवा रहे हैं सामान इस टाइम, और दर्शन कर लेते हैं जाते जाते मंदिर के। जय माता दी। और भाभी ले आई है मंदिर टीका, और मेरे तो लग गया टीका, और दिव्या के लगाते हुए। So, हम लोग निकल रहे हैं अब, हमारे पीछे से खाना वाना मत छोड़ो, ढंग से खा लेना, भूख के मत रहना, कहीं गए हुए बहू और बेटा और माँ और पापा व्रत पे है। तो हम लोग निकल रहे हैं, और हमें छोड़ने के लिए देखो पीछे कुत्ते भी आए हैं, ये इनके फ्रेंड्स। चलो दीदी, चलो बाय बाय, अच्छे से जाना। ओके भाभी, बाय बाय बाय, ध्यान से ड्राइव करना। ओके बाय। और हम लोग निकल चुके हैं मेरे घर के लिए, आप देख सकते हैं कुरान धीरा धीरा हो रहा है क्योंकि अभी बज रहे हैं 4, और जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी हम पहुंचेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हम ठंड ठंड में घर पहुंच जाएं। तो हम लोगों को बताया गया है कि यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है दिव्यारों के गांव तक का, 6 घंटे हमें कोटद्वार के लगेंगे और बाकी 4 घंटे ऊपर के। तो वो देखिए सामने जो गाड़ी दिख रही है एकदम सामने, वो ये दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं गांव के लिए, और हम लोग पहुँच चुके हैं दिव्या के घर। और दिव्या के लिए कोई भी गेट खोल नहीं रहा, गुड मॉर्निंग पापा। यहाँ हो चुके हैं सब सेटल, और बस हम निकल रहे हैं, और
एक बार हम बद्री विशाल जी का नाम लेते हैं सबके सम, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय माता दी। हमें निकले हुए हो चुका है आधा घंटा और हमने क्रॉस कर लिया है सरायका लेखा और यहाँ आ चुके हैं अरुण चाचा और ये वो टैलेंटेड चाची। हेलो हेलो, हाय आईडी एडी, ले पकड़ ले। हेलो आजा ले। और यहाँ आ चुके हैं पीतमपुरा से सीमा चाची लोग, दीप्ति चाची लोग तो नहीं आ रहे। तो यहाँ से अब हो जाएगी तीन गाड़ियाँ और तीनों गाड़ियाँ जाएगी पहले कोटद्वार, वहाँ पर करनी है कुछ शॉपिंग एंड देन वहाँ से निकलेंगे हम गाँव। सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ टोल पर और हालत देख सकते हो पीछे, आज माँ की हालत खराब नहीं हुई मेरे साथ, वरना माँ की अभी करने वाली हालत हो जाती है। मम्मी को थोड़ी मोशन सिकनेस है, मम्मी जैसी गाड़ी में बैठती है तो आप तो आज मेरी गाड़ी लाल की लाल है वरना वो लाल पीली हो जाती है। और हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पे फिर तो से एक दूसरा बार टोल दूसरा टोल प्लाजा जो पहले दिखाया था उसके बाद एक और यहाँ देख सकते हैं चाची हमारे लिए बहुत कुछ लाई है खाने के लिए, कभी हम चिप्स खा रहे हैं, चाची को अपने साथ बिठाया है। चाची दूसरी गाड़ी में जा रही थी पर हमने देखा इस बैग में कुछ लग रहा है, हमने कहा चाची इधर आओ ना, कहाँ उधर जा रहे, और यहाँ हमारे मजे आ गए, कभी कुछ खा रहे कभी कुछ। और हमारे ठीक पीछे आ रही है पापा लोगों की गाड़ी और उनके पीछे चाचा लोगों की गाड़ी। तो हम लोगों को निकले हुए हो चुके हैं 1.5 घंटे और अभी 3.5 घंटे का रास्ता और रहता है, तो अभी चल रहा है यहाँ खाना पीना और रास्ता काफी क्लियर है और काफी स्मूथ है तो हमें लगता है हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे वहाँ। हम लोग पहुँच चुके हैं बिजनौर और काफी अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ, खेत ही खेत है और सनराइज भी हो रहा है, अभी देख सकते हैं सन भी कितना सुंदर लग रहा है। तो राहुल भी इसी रूट से अभी 1 महीने पहले कोटद्वार आए थे पर राहुल कह रहे हैं काफी खराब रूट था उस टाइम पे, तो अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो 1 महीने में योगी जी ने काफी अच्छा काम करवा दिया है, तो योगी जी को फुल सपोर्ट और थैंक यू भी। और आप देख सकते हैं कि आज है वट सावित्री का व्रत, तो यहाँ नदी में बहुत से लोग पूजा करने आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे वहाँ तट पे कितनी भीड़ हो रही है। हम लोग आए हैं कुछ खाने पीने ब्रेकफास्ट करने, सुबह से हम निकले हुए थे तो सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है, इसलिए हम यहाँ पे वृंदावन रेस्टोरेंट में आए हैं और तीनों गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, हम लोग साथ साथ ही चल रहे हैं, तो हम चलते हैं अब अंदर और खाते हैं कुछ थोड़ा बहुत, देखते हैं क्या मिलता है। और ये है मेरी छोटी सी क्यूट सी क्यूटी पाई बहन, हाय बोलो आद्या, कुछ तो बोलो, इधर देख के, और सबको बताओ कहाँ जा रहे हो आप, गांव जा रहे हो और एक्साइटेड हो, है ना, एक्साइटेड है आद्या भी, और आद्या बहुत खुश हो रही है, हाँ क्योंकि हाँ अच्छा लग रहा है ना क्रीम। तू कहाँ बैठेगी, अंदर बैठेगी बाहर बैठेगी, हट्स भी है देखो यहाँ पे हट्स भी है, वाओ है ना, बंद है शायद। आदि क्या कहना चाहोगे, इतनी मुश्किल से एक मिला था वो भी हाथ से गया, जबकि मैंने पूछा कि ये देखो हमारे आलू को पराठा चाहिए, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, और बड़ी आस लेके आए थे कुछ खाने के लिए लेकिन उन्होंने बोला 10 बजे से पहले कुछ नहीं मिलता, तो मंडली वापस जाते हुए, और बड़ी उम्मीदों से आए थे गाइस बट क्या कर सकते हैं, उन्होंने देखा कि इनके पास पैसे नहीं लग रहे, गेट बंद कर दिया, उन्होंने बोला 10 बजे आना। फाइनली हम लोगों को मिला है ये अमृत पंजाबी ढाबा शुद्ध शाकाहारी, और जहाँ हम रुके थे वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला था, उसके बाद 1 घंटा और ड्राइव करने के बाद हमें ये ढाबा मिला है। भूख लग रही है आपको, कितनी भूख, दो पराठे खाएगा दारू जी कह रहे, दो पराठे खाएगा, सबको बहुत तेज भूख लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप भूखे चेहरे। तो अब हम करने वाले हैं नाश्ता पानी और आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या क्या खाते हैं।
और यहाँ देख सकते हैं आप आ चुके हैं आलू प्याज के पराठे विद दही अचार चटनी मिर्च। तो सब लोग खाते हुए पूरे 5 घंटे बाद। तो दिव्या कैसा है टेस्ट? अच्छा है चाची? कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो हम भी शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ से हम लोग जाते हुए और काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ का। अब हम जाएंगे आगे की ओर। तो हम लोगों ने एंटर कर लिया है कोटद्वार में और यहाँ गाड़ी रुकी हुई है। आप बताना चाहेंगे गाड़ी क्यों रुकी है यहाँ पर? गाड़ी चला रहे थे वो सब्जी लेने गए। सब्जी लेने गए हैं। तो जो ड्राइवर हैं वही सब्जी वाले भी हैं। सब्जी वाले भी? तो हम लोगों ने एंटर कर लिया कोटद्वार के अंदर और आप देख सकते हैं कोटद्वार फिर से एक बार मेरे साथ मेरी वीडियो में। यह है कोटद्वार का बाजार। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, हम अभी कोटद्वार में ही हैं और अभी सारे गए हुए हैं मंडी गांव के लिए सब्जी फ्रूट्स ये सब लेने के लिए। सामान लेना था कोटद्वार से ही लेके जाते हैं पौड़ी के लिए। तो हमें जाना है चौबटा खाल जहाँ पर है दिव्या का गांव, वहाँ पर आज पूजा है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। जैसे ही पापा लोग आते हैं लगभग 11 बजे भी अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो 3 घंटे तो यहाँ से हमें लगेंगे ऊपर पहुँचने में। कोटद्वार से हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये दोनों साइड है कोटद्वार की मार्केट। अभी हमने यहाँ से कुछ सामान खरीदा है, फ्रूट सब्जी वगैरह। अब हम निकलने वाले हैं गांव की तरफ। थोड़ी सी अभी हम मिठाई लेंगे गांव के लिए क्योंकि राहुल और मैं शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पे मिठाई बांटने वाले हैं सबको। तो अभी हम वो खरीदेंगे और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे गांव के लिए। और कोटद्वार में भी उतनी ही गर्मी है जितनी गर्मी दिल्ली में है। यहाँ निकल चुके हैं हम गाँव की तरफ और दोनों साइड हो चुके हैं जंगल शुरू और अब आएगी घुमावदार सड़कें और देखते हैं सड़कों के साथ कौन कौन घूमता है। जो पीछे बैठे हुए हैं ये तो घूमने वाले हैं। देखते हैं अभी कब घूमते हैं। अभी नहीं घूमेंगे घर जाने तक। अच्छा अभी सबने दवाइयाँ खा रखी है। ये इस वाले ट्रिप में 2 बार घूमेंगे, एक बार जो हमारे साथ घूम रहे हैं और एक अब जो घूमेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड, यहाँ से सतपुली है 54 किलोमीटर और सिद्धवली है 1 किलोमीटर। तो हम लोगों का गांव सतपुली से आगे ही है तो हमें अभी लगेंगे यहाँ से 3 घंटे के अराउंड। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कैसा मौसम रहता है आगे। हम लोग कर चुके हैं दुगड्डा क्रॉस और अभी जो बोर्ड में मैंने पढ़ा है तो 17 किलोमीटर है यहाँ से गुमखाल। हम पहुंच चुके हैं गुमखाल और ये है गुमखाल की छोटी सी मार्केट। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सतपुली की मार्केट और आज है 30 तारीख। यहाँ सारी दुकानें बंद है। हमने पूछा जब किसी से कि सारी दुकानें क्यों बंद है तो बताया कि 30 तारीख को सतपुली में ज़्यादातर दुकानें बंद रहती है। तो ये है सतपुली की मार्केट। सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, अब हम निकल रहे हैं सतपुली से आगे। कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ। क्या कहना चाहोगे? रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। रास्ता उबड़ खाबड़ है? तो कैसा रास्ता बनवाया आपके लिए? चक्कर आया आपको? किसी ने वॉमिट करा आपकी गाड़ी में? हाँ। किसने? आद्याने। तो इनकी गाड़ी का एक खिलाड़ी घायल हो चुका है। हमारे साथ जो जाएगा सेफ जाएगा, हमारी गाड़ी में कोई घायल नहीं हुआ और पापा के साथ दादी घायल हो गई। तो अभी तक हमारी गाड़ी है जो विनर है। ये है पूरा सतपुली आप देख सकते हैं और हम अब जा रहे हैं चौबटा खाल की तरफ। वो ये है ज्वालपा देवी जी का मंदिर और वहाँ से रोड आ रही है। देखिए वो जो रोड है वहाँ से आ रही है, ये रोड आ रही है एंड वो जो पिंक आपको हट दिख रही होगी यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ आ रही है। ये है मंदिर, ये पिंक कलर का, ये नीचे आप मंदिर दिख रहा है, ये जो हट है ये देखिए। तो ये ज्वालपा देवी जी है, आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय ज्वालपा जी। और यहाँ के पहाड़ देखिए पौड़ी के।
ज्वालपा जी के दर्शन कर लिए हमने यहीं ऊपर से। टाइम मिलेगा तो हम जरूर ज्वालपा जी के दर्शन करने बिल्कुल ज्वालपा जी के मंदिर भी जाएंगे। और अभी हम जाएंगे ऊपर गांव की तरफ, जो कि यहां से रह गया है मात्र 20 या 22 किलोमीटर, जिसका नाम है कुई मजगांव। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। और गाइस यहां देख सकते हैं हम, रुके यहां, ये जंडा देवी है। कौन सा? जंडा देवी। जंडा देवी यहां पर मेला लगता है, चार दिन के बाद मेला लगा है 20 कत्ती। अच्छा, गेट को बहुत जबरदस्त मेला लगता है। अच्छा, तो यहां देख सकते हैं सारे। और ये चीजू और दीदी दर्शन लेते हुए, चीजू आशीर्वाद देते हुए। अब पहुंच चुके हैं नौगांव खाल, ये छोटी सी मार्केट नौगांव खाल की। तो फाइनली 11 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे प्यारे से गांव, मेरे मायके के गांव कुई। नमस्ते। नमस्ते दादा जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बस ठीक है। और ये है दिव्या लोगों का गांव, आप देख सकते हैं ऊपर। अभी हम पूरा दिखाएंगे आपको, यहाँ नीचे गाड़ियाँ खड़ी कर दी हमने। और बताएं दिव्या, ये क्या हो रहा है? ये हम पहली बार आए, इसे हमारा स्वागत हो रहा है। तो शादी के बाद पहली बार दिव्या और मैं दिव्या के गांव आए हैं, तो हमारे स्वागत के लिए ये बाजे वाला आ रखा है, दमाऊ वाला। दादाजी लोगों का खलियान खेत, और अभी चढ़ाई कर रहे हैं सारे। आगे दमाऊ बज रहा है, दमाऊ बजाने वाला थोड़ा सा ढीला। अरे तेज बजा। और ये रहा घर, देख सकते हैं दिव्या लोगों का गांव का घर। दादी नमस्ते, बढ़िया। बढ़िया ढीला है तो बहुत बढ़िया बजा। लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और काफी आनंद आ रहा है यहाँ, काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीछे पूरा गांव का नजारा, ऐसा लगा बस बढ़िया। अच्छा है? बहुत मस्त, मजा आया। हाँ, अब यहाँ पे आके मौसम सही हो गया। और ये देखिए गांव। कैसा लग रहा है आदि यहाँ पहुँच के, और यहाँ से नजारा कैसा लग रहा है? ये तुम्हारा गांव, ये देखिए। नहीं, ये है गांव। मैं पहली बार आया था जब मैं 1 साल का था, तब तो मेरे को कुछ याद नहीं है। आप देखना, अब यादें बना। गांव का मंदिर किधर है? गांव का मंदिर तो है, पर अभी वहाँ तो लगा ना, टेंट लगा हुआ। अच्छा, वो जहाँ टेंट लगा है वहीं से, यहाँ से गांव का मंदिर होते हुए जाते हैं। अच्छा, वो ऊपर है महादेव बोलते हैं, और एक उससे ऊपर है, उसमें मतलब 5 तारीख होती है।
पूजा। अच्छा आज कहाँ पर है पूजा? अच्छा आज यहाँ पर है प्रोग्राम, तो यहाँ जहाँ टेंट लग रहा है आप दिख रहा है आपको, यहाँ बद्रीनाथ का मंदिर है और आज यही पूजा होनी है शाम को पांडवों की। तो किस वजह से होती है दादाजी ये पूजा? ये मतलब पांडव होते हैं ना हमारे गांव में, हाँ मतलब जो सुंदरिया लोग है ना, हाँ हाँ, तो हमारा जो मेन बद्रीनाथ है। अच्छा तो हमारे यहाँ पांडव की पूजा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए आज रखवाई गई है? नहीं ये हर साल होती, मतलब हर साल होती है, लेकिन जो मतलब अभी इस बार तगड़ी वैसे है ना, मतलब इस बार मतलब सब लोग को बुला रखा है। अच्छा अच्छा, लेकिन मतलब हर साल इस दिन हर साल होती है, होती हर साल है, पर इस बार ज्यादा तादाद में लोग आए हैं तो और अच्छी होगी। तो इस बार जैसे ज्यादा लोग आए हैं शाम को आपको पूजा दिखाएंगे, काफी सालों के बाद एक बार जो है ना वो करते हैं मतलब बड़ी पूजा। तो कितने कितने घर हैं दादाजी गांव में? घर तो यहाँ मेरे ख्याल में 80 के करीब होंगे, लेकिन रहने वाले कम है। अब आजकल तो मेरे ख्याल में जो घर में है वो 33-34 है। तो ये देखिए पूरा गांव, यहाँ आपको घर दिख रहे होंगे, पक्के घर बने हुए हैं, रास्ता ये जाते हो ऊपर के लिए, ये पंचायत भवन, ये नीचे के घर, ये देखिए ये हेलो करते हुए। इस गांव में सारे सुंदरियाल ना, ऊपर भंडारी लोग हैं। अच्छा ऊपर भंडारी भी है, अलग चार चार मकान है। अच्छा अच्छा, बस भंडारी और सुंदरियाल है। और ये भी दादाजी लोगों का घर गांव का, ये देखिए और ये है हमारा किचन, नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे है चूल्हा जिसमें बनाए खाना, और ये है खाने में दाल चावल स्पेशल गांव के, और यहाँ गैस भी है, इमरजेंसी में गैस भी यूज हो सकती है, और ये पानी स्टोर करने के बर्तन। ये है हमारा किचन, और ये देख सकते हैं खाना हो चुका है रेडी इन सबके लिए। दादी ने बहुत टेस्टी दाल बनाई है, मैंने तो खा लिया और पेट भर के मजा आ गया दाल चावल खा के, और रायता तो इतना टेस्टी हो रहा था मजा ही आ गया। तो दिव्या से पूछते हैं कि खाना कैसा बनाया, दिव्या बताइए। सो गाइस खाना खाने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, दादी जी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था गाँव वाली दादी जी ने, सो अब मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। सो आशा करते हैं आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अभी ये व्लॉग आज जो पूजा होगी उसका भी बनाएंगे हम। सो आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय।